हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा किस तरह से मेन्यू पीसी को हम GTA 5 में इंस्टॉल करते हैं, उसको कैसे ओपन करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो ये मैं आपको आज की वीडियो में ही दिखाने वाला हूँ। उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, आपके लिए एक तरफ GTA 5 का फोल्डर ऑन कर लेना जहाँ पर आपका GTA 5 ऑन है, और दूसरी तरफ ये तीन जो सॉफ्टवेयर हैं इसको उनको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैं इनकी लिंक आपको दे दूँगा, उससे आप इंस्टॉल कर लेना, और फिर इंस्टॉल करने के बाद इनको आप एक बार एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इन तीनों को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको सिंपल सिर्फ ये करना है, इनको ओपन करना, और जो 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 फाइल्स मैं सिलेक्ट करके कॉपी करूँगा GTA 5 फोल्डर में, वही आपको कॉपी करनी है। तो सब मेन्यू SP में सबसे पहले आपको मेन्यू स्टफ, मेन्यू ASI, ये दोनों फाइल को आपको कॉपी पेस्ट करके आपको सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है GTA 5 के फोल्डर में, या आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्क्रिप्ट हुक B में जाना है, और आपको बिन वाला फोल्डर इसको ऑन करके ओपन करके आप सिंपल ये तीनों चीज़ों को आप कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। थर्ड रहेगा आपका स्क्रिप्ट हुक V.NET, इसमें जाके आपको ये फाइल्स, ये जो आपके नीचे वाली ये फाइल्स हैं, ये सारी फाइल्स को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना GTA 5 के फोल्डर में। और बस सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये आपका मेन्यू PC आपका इंस्टॉल हो चुका है, और हम सिर्फ आप गेम खोल के दिखाएंगे एक बार, इसमें आप ये शो करेगा कि आपको कैसे ऑन करना है या क्या करना है। ये सिर्फ सिंपल इंस्टॉल हो गया, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ GTA 5 अपना ऑन करना है। हमारा GTA 5 फाइनली ऑन हो चुका है, और फिर आप इसमें मेनू PC किस तरह से ओपन करना है, आपको किस तरह से आप इसमें खेल सकते हैं, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सिंपली आपको करना क्या है, F8, जो आपका F8 बटन है उसको आप दो बार प्रेस कर देना बस, और आपका ये मेन्यू ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपका व्हीकल ऑप्शंस, व्हीकल स्पॉनर, आपने कोई व्हीकल कैसे किसी भी तरह से आप करेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, या जो करना चाहें आप वो कर सकते हैं। ये रही आपकी गाड़ी, आप यहाँ से कोई भी गाड़ी मंगा सकते हैं, जो भी गाड़ी इसमें अवेलेबल है वो सारी गाड़ी आप यहाँ से मंगा सकते हैं। यहाँ से आप मेनू कस्टम्स में जाके आप व्हील्स, स्पॉइलर्स, आप गाड़ी को अपग्रेड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, व्हीकल, वेपन, और बैक। अब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको टेलीपोर्ट ऑप्शंस मिलता है, वेपन ऑप्शंस मिलते हैं, वेदर ऑप्शन मिलता है, टाइम आप इसका सेट कर सकते हैं कि आपको टाइम सेट कर लेंगे तो आपका उसी वक्त पर टाइम रुक जाएगा, जिससे आपका ना रात होगी इसमें, ना ही ज़्यादा सनलाइट बढ़ेगी, ना कुछ, जो आपको टाइम अच्छा लग रहा है आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स है, प्लेयर सेटिंग्स, प्लेयर्स ऑप्शंस, जो आप चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। सर आपको करना कुछ नहीं है, सर आपको तीन फाइल आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है, जो भी मैंने आपको बताया था बस। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो बार लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैंने इसमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ इंस्टॉल करूँगा मैं, तो हर गाड़ी का इंस्टॉलेशन मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी कौन सी गाड़ी कैसे इंस्टॉल होती है, किस तरह से इंस्टॉल होती है, और गाड़ी चलने में कैसी है, साउंड कैसा आता है, आपको सब